हर पल आपके साथ। नवाबगंज बकैनिया के फौजी का पुत्र गुड़गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला घायल, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने की प्रशासन से की मांग। तस्वीरों में अब जो आप देख रहे हैं, रोता बिलखता परिवार और दहाड़े मार मार कर रोती हुई माँ, ये माँ है दीपक चंद्र की, जो अब इस दुनिया से अलविदा कह गया है और अपने माता पिता और परिवार को रोता बिलखता हुआ छोड़ गया है। पूरा मामला क्या है, आइए अब हम आपको बताते हैं। बरेली जिले के नवाबगंज तहसील के गांव बकैनिया थाना हाफिजगंज के रहने वाले पूर्व सैनिक तारा चंद्र, जो दलित समाज के जाटव बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। पूर्व सैनिक तारा चंद्र के पुत्र दीपक चंद्र, जिसकी आयु 26 साल की है, जो पिछले एक माह से गुड़गांव में A1 PG में किराए पर रह रहा था। मृतक दीपक के परिजनों के अनुसार 23 मार्च 2022 को दीपक चंद्र की पीजी मालिक पूजा शर्मा का फोन आया कि आपके पुत्र की हालत गंभीर है, उसने कोई नशा कर रखा, आप तुरंत आ जाइए। पूर्व सैनिक ने पीजी मालिकिन पूजा शर्मा से कहा कि आप मेरे बेटे को किसी अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, हम शीघ्र पहुंच रहे हैं। पूर्व सैनिक जब अपनी बेटी ज्योति और भाई श्याम बहादुर को लेकर पहुंचे तो गुड़गांव पहुंचे तो दीपक के परिजनों ने बताया कि उस समय तक पीजी मालकिन ने किसी अस्पताल में हमारे बेटे को भर्ती नहीं कराया था और सफदरजंग अस्पताल में ऐसे ही पड़ा था। दीपक के पिता ने बताया, बेटे की हालत देखकर मैंने उसे भर्ती कराया, फिर उसका सिटी स्कैन कराया, जिसमें मेरे बेटे की नी सर्वाइकल की हड्डी और ब्रेन हैमरेज आया, जिससे वो कोमा में था, जिसके बाद 28 तारीख में मेरे बेटे की मौत हो गई, जिसकी सूचना तत्काल गुड़गांव थाने में दी गई, लेकिन पुलिस ने ये कह दिया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही विधिक कार्रवाई कर मुकदमा कायम किया जाएगा। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए थाने में तहरीर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। देखिए नवाबगंज से कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। फौजी साहब, नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम ताराचंद फौजी है और मैं वैसे रिटायरमेंट हूँ। मेरा लड़का दीपक चंद, जिसकी उम्र 26 साल, वो गुरुग्राम में जॉब करता है रेडिकल माइंड्स में, और एक पीजी में रहता था, जो पीजी मालिक हैं पूजा शर्मा, उनके हस्बैंड का नाम है दिनकर शर्मा। तो पूजा शर्मा का मेरे पास 23 मार्च 2022 को फ़ोन आया कि आपका लड़का बहुत बुरे हालत में है, नशे की हालत में, कौन से नशा कर रखा है, आप आओ जल्दी इसे ले जाओ। फिलहाल मैंने बोला जब तक उसे डॉक्टर को दिखाओ और मैं आता हूँ, मुझे 6 घंटे लग जाएंगे। उन्होंने ले जाके मणिपाल अस्पताल में ले गए, दिखाया तो वहाँ पर उनका बस की बात नहीं थी, क्योंकि रुपए का ज़्यादा बात था, 1.5 लाख रुपए जमा करने को बोला। मैंने बोला मत करो, आप सरकारी अस्पताल में ले जाओ और वहाँ पर एडमिट करा दो, मैं वहाँ से ले आऊँगा। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुरुग्राम ले गए, गुरुग्राम वाले उन्हें भी इलाज ना करके उन्हें रेफ़र कर दिया सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के लिए। वहाँ पर उन्हें एडमिट नहीं किया क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वालों ने MLC नहीं बनाई थी, ना उन्होंने बनवाई, इसलिए उन्होंने एडमिट नहीं किया। और जब मैं पहुंचाऊं तो मैंने फार्म पे 3:30 बजे मैं पहुंचाऊं रात को, तो मैंने दस्तखत करके बच्चे को एडमिट कराया। और ये जब एडमिट किया तो सीटी स्कैन वगैरह और जांचें, ECG एक्सरे वगैरह हुआ, तो सबसे पहले मेन चीज़ आई जो रीढ़ को हड्डी जोड़ने वाली, जो सिर को हड्डी पीछे वाली है, वो टूटी हुई निकली और ब्रेन हैमरेज निकली, जिससे दिमाग में खून भरने के कारण वो बंद हो चुका, टोटली दिमाग बंद, और वो कोमा में था। पुलिस साहब, जानना चाहेंगे जब आप गए थे उस समय आपका बेटा जो था वो जीवित था या फिर मृत अवस्था में था? जीवित, लेकिन वो कोमा की स्थिति में था।
ना काम करना बंद कर दिया था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बोल नहीं रहे थे, कोई ना हाथ पर हिलाना डुलाना कुछ नहीं था, कोई इम्प्रूव नहीं था उसमें, केवल मृत जैसे उसमें जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे, केवल सांसें चल रही थी, ब्रेन ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, कोमा जैसी स्थिति थी। उन्होंने डॉक्टर ने लिखा है उसमें कोमा जैसी स्थिति नहीं, कोमा में ही था वो। आपने कभी पर्स खंगाला, उसमें पर्स में क्या क्या निकला, क्या क्या नहीं निकला जानना चाहिए? हमें पर्स नहीं मिला उनके उनके पीजी में, पर्स नहीं मिला, उनके पास चार एटीएम कार्ड थे, चार बैंक थे, हमें दो अकाउंट एटीएम कार्ड नहीं मिले, पर्स में पैसे भी थे वो भी नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या बोला गया आपसे उनके अनुसार, क्या बोला गया, क्या जानकारी दी? उन्होंने ये बोला था, फोन करके ये बोला कि आप आ जाओ, आपका भाई ऐसा ऐसा 3 दिन से बंद है। मैंने ऑफिस में कॉल किया, ऑफिस वाले कह रहे हैं कि वो 22 तारीख को आया था ऑफिस सुबह 11:30 बजे, मुझसे बोल के चला गया कि सर मुझे छुट्टी दे दीजिए, और वो लोग कह रहे हैं कि वो 3-4 दिन से बंद है कमरे में, बोल रहे हमने दरवाज़ा तोड़ के निकाला। मैं अपनी मम्मी के साथ जब गई तो वो दरवाज़ा बिल्कुल सही था, उन्होंने मेरे सामने दरवाज़ा खोल के दिखाया, पूरा सामान अकेले रहते थे। हाँ जी अकेले रहते थे, पीजी में तो कम से कम दो लड़के रहते हैं, दो लड़के, वो 2-4 दिन रहा, उसके बाद वो चला गया, वो चला गया था, फिर अकेला रहने लगा वहाँ पे। तो रिपोर्ट में क्या लिखाया गया? रिपोर्ट में मैंने ये लिखाया कि ऐसा है कि एकदम किसी ने बाहर लड़ाई होगी, लेकिन वो पीजी तक कैसे आया, और सबसे पहले ये नशे की स्थिति बता रही हैं। मुझे ये शक है कि लड़के को हो सकता है इन्हीं पर आएगी, लड़के को इन्हीं ने अटेम्प्ट टू मर्डर क्या संख्या, क्योंकि उसके बाईं आंख में चोट का निशान है, शरीर पे चोट लगी हुई है, आंख काली पड़ी हुई है, ऊपर सिर में भी चोट के निशान है, जो कि सूजा हुआ पूरा सिर था ऊपर से, और कई जगह चोट के निशान उसके शरीर पे पाए गए हैं, ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, डॉक्टरों को वहाँ के एम्स में हमने बताया था ये कि यहाँ पे ये लड़के की चोट लगी हुई है, और इसी के कारण हमें कुछ ना कुछ डाउट है कि इनका कुछ ना कुछ इसके साथ अटैक मतलब किसी ने किया है। रीढ़ की हड्डी या गले की हड्डी टूटना संभव नहीं है, अगर गले की हड्डी या पीछे से टूटेगी कोई ना कोई अटैक करेगा तभी टूटना संभव है। इसको सर्वाइकल या स्पाइनल कोड, सर्वाइकल स्पाइनल स्पाइनल कोड जो हड्डी है ये वो टूटी हुई निकली है, इसकी वजह से उसकी गर्दन बिल्कुल रुकी नहीं रही है, और इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो नशे की हालत में, जबकि वालों ने भी टालने की कोशिश की है। भाई साहब ये भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है आपके बच्चे ने कभी ऐसी संगत में रहा है जो आपको लगता हो कि ड्रिंक वगैरह या नशा वगैरह करता हो? देखिए ड्रिंक वगैरह की तो मेरे सामने, मैं झूठ तो नहीं बोलता कि मेरे सामने तो खैर नहीं किया, और किया होगा इधर उधर, मैंने उसकी हमें जानकारी नहीं, लेकिन वो वहाँ पर कमरे में इन्होंने पुलिस को दिखाया कि गांजा का पैकेट है वहाँ पर, उससे पहले नहीं दिखाया, नहीं है, पुलिस बाहर उसको चेक करने चली गई अंदर कमरा भीतर, उसके बाद में बाहर ही गांजा का पैकेट मिल गया, बोले ये देखिए ये गांजा है, ये सुलपा है, और बल्कि जब देखा जाए तो ये केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाला पढ़ के लड़का था, तो ये गांजा सुलपा का इसको संज्ञा वो भी नहीं मालूम है, इसका मीनिंग क्या है, इसका काम क्या है? और जो पुलिस वाले आए थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ के पुलिस स्टेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं यहाँ कैसे चले गए, हमें तो पता ही नहीं है कुछ। दूसरा एमएलसी भी नहीं पहुँची पुलिस स्टेशन। दूसरा जो पीजी की मैम बता रही थी, वो कह रही थी कि आपके यहाँ लड़के फोन पे बात हुई थी, तो वो लड़की थी एक दिन पहले लड़का जो दारू का बैग भर के लाया था, बाद में पलट गई, बोले वहाँ जब देखा गया कमरा खंगाल के तो वहाँ कुछ नहीं मिला, जबकि दारू का बैग अगर भरा हुआ है वो नशे में पड़ा तो सारी चीज मिलनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं मिला, ना दारू का बैग मिला, ना दारू मिली, एटीएम तक गायब है, उसके पर्स भी गए, कुल कई चीजें ऐसी गायब है जो हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज देखनी है, हस्बैंड को मैंने कॉल किया, हस्बैंड बोलते आप आ जाइए, 2 मिनट बाद मेरे पास कॉल आता है वाइफ का, आप कैसे आ सकते हो, आप हमको कैसे दिखा दें, हम पहुंच गए देखने, वहां पर हमें कुछ नहीं मिला, सीसीटीवी फुटेज सारी डिलीट हुई थी, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो लास्ट में आपका इशारा क्या अटेम्प्ट टू मर्डर का है? हाँ जी 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 मर्डर का है, क्योंकि जो चोट के जो उसमें निशान दिखाई दे रहे हैं वो सीधा इशारा मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर का ही इशारा करते हैं। मैं सरकार से या जो भी प्रशासन है शासन प्रशासन से मेरी ये मांग रही है, मांग करूंगा मैं, मेरी विनती है कि मैं भूतपूर्व सैनिक, मेरा इकलौता बेटा था, और वो दर्द वही समझते हैं जिसको घाव लगता है, दर्द उसी को होता है, तो सरकार से मेरी यही कामना करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय मिले प्रदान करें, और जो मैंने तहरीर में लिखवाया है अगर जो
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसी भाई उसके अनुसार पे सख्त कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।